आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। भिवंडी में गणपति का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में हम आपको ऐसे मंडल की गणपति दिखाने जा रहे हैं जहां गणपति की मूर्ति के साथ साथ कुछ ऐसे चलचित्र दिखावा भी बनाए गए हैं जिसमें आम नागरिक को बड़ा फायदा पहुंचेगा। हमारे देश की आर्मी के लोगों ने लड़ने के हथियार, वो मिसाइल, वो रॉकेट, वो जेट प्लान, ऐसे तमाम लड़ाकू विमानों से आपको पराजित करवाया। इस मंडल का नाम है पंडरीनाथ देवस्थान ट्रस्ट, जो पिछले 114 सालों से लोगों की खिदमत करते आ रही है और ये भिवंडी के वानी अली में मौजूद है। इस गणपति मंडल ने भारत के 75 सालों की मेहनत को सामने लाकर रखा है। भारत ने इन 75 सालों में अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों में कितना मजबूत हुआ है, इस ट्रस्ट ने बताने की कोशिश की है। इस अनोखे दिखावे को देखने के बाद लोग इसकी तारीफ के फूल बांधे बगैर रह नहीं रहे हैं, क्योंकि इस तरह की मालूमात देने से लोगों का जहन ताजा हो जाता है और लोग अपने देश की मजबूती की एक अच्छी मालूमात के मालिक हो जाते हैं। आइए आपको उन तमाम लोगों से मुलाकात करवाते हैं, उस मंडल के अध्यक्ष से और वहां के बानियों से जो इन कार्यक्रमों को हमेशा करते आ रहे हैं और अपने पुरखों की परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं। कोविडच्या ज्या पॅन्डेमिकमध्ये आपल्या या सर्वांना जो काही त्रास सोसावा लागला, त्यातून या मंडळांनी सर्वश्रुत सर्वांना मदत केली आणि हा मंडळ कणखरपणे त्या काळामध्ये उभा राहिला। ह्या मंडळाच्या म्हणजे तसेच वाण्याळी म्हणजे पंडरीनाथ देवस्थान ट्रस्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला 114 वर्ष झालेली आहेत आणि हा 114वा वर्ष आहे। त्या अनुषंगाने या म्हणजे चाललेल्या काळामध्ये भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाला 75 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। त्या 75 वर्षात पूर्ण झालेल्या जे आपलं सुवर्ण काळ आहे, त्याच काळामध्ये 75 वर्षामध्ये भारताने डिफेन्समध्ये किंवा इस्रोच्या ज्या वैज्ञानिकांनी जे प्रगती केलेली आहे त्याचा देखावा आम्ही इथे सादर केलेला आहे। पहिली बात अशी आहे की हे पंडरीनाथ देवस्थान ट्रस्ट का जो मंदिर आहे, विठ्ठल मंदिर, और इसका जो गणेश उत्सव आहे, उसको आज 114 साल उसको हो गए और उसमें हर वक्त जब भी हम लोग देखावा करते आ रहे तो जनता के लिए कोई ना कोई संदेश देते आ रहे। आज जो ये जो देखावा किया है, कि देखावा में ऐसा संदेश है कि अपने देश ने 75 जो वर्ष साल है, सालगिरह है, वो 75 साल में अणुबॉम में या इसमें वैमानिक में जो भी उसने डेवलपमेंट किया है, जो दुनिया के लेवल से जो टॉप के काम कारना में किए, वो हम लोग दिखाना चाहते हैं। और इसके लिए हमको जो भी माहिती है, जिसकी जो भी दिखाना था वो दिखा दिया। मैं यही जब जानना बोलना चाहता हूँ सुप्रिया आवाम को या पब्लिक को या भक्तों को, कि ये जो देखा हुआ देख के आप उसको पूरा आनंद ले और समझ ले कि अपने देश ने कितनी तरक्की की। मी सर्वांना आवाहन करतो की हा देखावा प्रत्येकाने बघावा आणि जास्तीत जास्त माहिती घेणे। तसेच ज्यांनी ज्यांनी मंडळाला सहकार्य केले आहे त्यांचे पण धन्यवाद, आणि आम्हाला असंच सहकार्य करत राहावा ही विनंती।